भगवंत मान ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के मुख्यमंत्री वजों अपने कर्तव्यों वफादारी ते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा अते मैं भय जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून नूं अनुसारता विच न्याय करांगा। ये पंजाब में सबसे बड़े बदलाव की आवाज है, पंजाब के इतिहास में सबसे बड़े करिश्मे की तस्वीर है। ये आम आदमी पार्टी पर पंजाब के लोगों के भरोसे और विश्वास की तस्वीर है। 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान की शपथ लेते ही पंजाब की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकड़ कलान में लाखों लोगों की मौजूदगी में भगवंत मान ने विश्वास दिलाया कि यह भगवंत मान या आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि सारे पंजाबियों की सरकार होगी, क्योंकि उन्होंने बैंकों च खाते नहीं खिलाए, उन्होंने साढ़े दिलों च खाते खिलाए होंगे ने। तो जे दिलों च खाते खुल जाते हैं ना, उन्होंने फिर परमात्मा जोड़ा आशीर्वाद दिता रहा। दोनों हाथ उपर चाके दो नारे ला दो, इनकलाब इनकलाब बोले सोनिहाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने पंजाब पहुंची। राष्ट्रीय फलक पर महज 10 साल पहले जन्मी आम आदमी पार्टी ने 10 मार्च को पंजाब का वो किला भेद दिया जिसे पार पाना आज तक कांग्रेस और अकालियों के सिवाय किसी और के बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भी पंजाब की सत्ता में रहने के बावजूद हमेशा छोटे पार्टनर की भूमिका में ही रही। इसमें कोई शक नहीं कि इस जीत के सबसे बड़े हीरो अरविंद केजरीवाल हैं। पंजाब की जनता ने केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर भरोसा जताया है, लेकिन भला इस जीत में भगवंत मान की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पंजाब में आपको फर्श से अर्श तक पहुँचाने वाले भगवंत मान अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दशक पहले तक अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाने वाला शख्स एक दिन पंजाब की सत्ता संभालेगा। भगवंत मान ने अपने सियासी सफर की शुरुआत मनप्रीत सिंह बादल की पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी से की थी। 2012 में पहली बार उन्होंने लहरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2014 चुनाव से पहले भगवंत मान आम आदमी पार्टी में आ गए। 2014 और फिर 2019 लगातार दो बार भगवंत मान संगरूर से सांसद चुने गए। जट सिख समुदाय से आने वाले भगवंत मान की पंजाबियों में अच्छी पैठ है। अपनी शैली को लेकर वो मालवा इलाके समेत पूरे पंजाब में खासे लोकप्रिय है। भगवंत मान की साफ सुथरी छवि और भाषण का जोशीला और लच्छेदार अंदाज उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि कई बार अपनी शराब की लत से वो विरोधियों के निशाने पर भी रहे हैं, यहाँ तक कि उन पर सांसद में भी शराब पीकर आने के आरोप लगे। 2019 में अरविंद केजरीवाल के साथ मंच से भगवंत मान ने शराब छोड़ने की कसम खाई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी मां की बात मानते हुए शराब छोड़ दी है। 17 अक्टूबर 1973 को संगरूर जिले के सतोज गांव में जन्मे जुगनू उर्फ भगवंत मान राजनीति में आने से पहले मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुके हैं। बीकॉम की पढ़ाई के बाद कुछ अलग करने की धुन में उन्होंने मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ टीवी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में लोगों को गुदगुदाया, जहां से उन्हें बेहद लोकप्रियता मिली। बाद में उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। फिल्म कचहरी से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने दर्जनों हिंदी और पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया। कुछ समय पहले भगवंत मान ने एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि राजनीति के चक्कर में वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे, इसलिए साल 2015 में आपसी रजामंदी के साथ पत्नी से अलग हो गए और फिर पूरी तरह राजनीति को अपना धर्म मान लिया। पिछले कुछ साल में भगवंत मान ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को खूब मजबूती दी है। भगवंत मान की बदौलत ही अकाली और कांग्रेस के बाद अब पंजाब के लोगों को एक नया विकल्प मिला है। हालांकि भगवंत मान के लिए कांटों भरा ये ताज इतना भी आसान नहीं होने वाला है, आगे बहुत चुनौतियां हैं।
राज्य में बिछे ड्रग्स के बड़े जाल को तोड़ने से लेकर पंजाब की जनता से किए वादों को लागू करने और 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे पंजाब को बाहर निकालने का रास्ता बहुत कठिन होगा। पंजाब के लोगों ने जिस तरह का भरोसा दिखाया है उस पर खड़ा उतरना ही भगवंत मान और उनकी टीम के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।